पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मानस ने जो गलती की ही नहीं है उसकी सजा इससे मत दो प्लीज। जानकी माँ ने कहा है कि मानस से शादी कर लो तो प्लीज हाँ कर दो। अब तो ये मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करेगी और यही तो मैं चाहता हूँ। तुम मेरे जैसे छोटी सोच वाले के कमरे में क्या कर रही हो मैनी? सॉरी पापा, गुस्से में थी, गलती से मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। फालतू में ही आपको ताऊ जी से कंपेयर कर दिया। गुस्से में इंसान वही बोलता है जो उसके मन में होता है। ताऊ जी लोग तो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम बच्चों को मन की करने की आजादी देते हैं, और मैं क्या तुम्हें जंजीर में बांध के रखता हूँ मिनी? नहीं पापा। तीनों भाई घर छोड़ के चले गए, मैं यहीं रह गया घर के बड़ों के साथ। माँ बाप ने कहा कि परिवार की देखभाल करना ही संस्कार है, मैं मान गया। मिनी, इंसान जहाँ रहता है ना वहीं के समाज को अपना लेता है, उसकी सोच वहीं की सोच हो जाती है। मैं भी अगर बॉम्बे या लंदन गया होता ना तो मेरी सोच भी वहीं की होती, मगर तेरा बाप उज्जैन का है, मेरी सोच भी यही उज्जैन की है, और मुझे इस बात पे गर्व है, कोई अफसोस नहीं है। मुझसे जो बन पड़ा मैंने बढ़ चढ़ के किया तुम्हारे लिए, मगर मेरी की हुई हर बड़ी चीज तुम्हें छोटी पड़ गई। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं पापा, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, आपने हमेशा मुझे और गोलू को खुश रखा है। ये बात आपने एकदम रॉन्ग बोली, चाहे कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो लेकिन आपने हमेशा हमारी विश पूरी की है पापा। मुझे ये आपकी सिचुएशन समझनी चाहिए थी पापा, कि आप पर कितने लोगों की जिम्मेदारी का प्रेशर है। मैंने आप पर बहुत गुस्सा कर दिया पापा, प्लीज ना मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बाप के सामने रो रही है, मुझ पर पाप चढ़ाएगी क्या? जा जाके मेरे लिए गुजिया लेके आ, मैंने चखी भी नहीं है। अभी लाती हूँ। कसम से ये बाहर वालों की आंधी घर परिवार के अंदर का संतुलन और आधार हिलाने में लगी पड़ी है। रे, कितनी चोट आई है तुम्हें, क्या जरूरत है उनके बीच में जाने की तुम्हें? वो मौली दोस्त है मेरी, आई नो कि वो झूठ नहीं बोल रही। दोस्त है तो क्या सबके साथ लड़ भिड़ जाएगा उसके लिए? मॉम, दोस्ती की है तो निभाऊंगा, और दोस्ती निभाने के लिए लड़ भिड़ना क्या, अगर मरना भी पड़े ना तो मैं चुप, ऐसा नहीं बोलते। मानस और मौली के माँ बाप है, वो देखेंगे क्या करना है। उनके बीच में जाने से पता है किसको दिक्कत होगी, मुझे और तुम्हारे पापा को, और किसी को नहीं। देखा नहीं आज कैसे मनु भैया और विजय लड़ रहे थे? दूध जलने के बाद अब क्या खोया निकालने आई हो यहाँ पर, करने क्या आई हो यहाँ पर? आज तुम्हारी वजह से राहुल को गुंडा बदमाश ना जाने क्या क्या कहा गया, देखो देखो उसे कहां कहां नहीं चोट लगी उसे।
पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल मानस के साथ फिर से नई लड़ाई कर लेना, राहुल को बुला लेना, मदद करने के लिए तो आ ही जाएगा दोस्ती में वो। सौरताई जी, पौनी ने कुछ नहीं किया है, वो तो ऊपर से हमें लड़ने से मना कर रही थी। लड़ाई भी तो इसी के कारण हुई है ना बेटा। बात खत्म हो गई है। कैसी खत्म हो गई? कुछ खत्म नहीं हुआ है। परिवार को जोड़ना चाहती है, इस बात की सराहना करते हैं, लेकिन इसकी वजह से परिवार टूट भी तो सकता है, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या? इसकी लड़ाई अपने पति के साथ है तो खुद अकेले निपटे ना, घर में कलेश क्यों मचा रही है? परिवार को जोड़ना नहीं, उसे संभालना भी आना चाहिए। तो मैं कह किसे रही हूँ, जैसे खुद अपने परिवार का था पता नहीं। मौली, राहुल तुम कहीं नहीं जाओ। नो, बस। जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मौली को। क्या गलत कहा मैंने बेटा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने इस फैमिली के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए। वो इस घर की बहू भी नहीं है, अगर चाहती तो ये सब छोड़ के मुंबई जाकर अपना करियर और अपनी लाइफ परसू कर सकती थी। ताई जी, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ रुकी है क्योंकि उसे परिवार और रिश्तों की वैल्यू है। आज मन बड़ा उदास है, जिसने मुझे उम्मीद दी कि पूरा परिवार एक हो सकता है, आज उसी के मन के कई टुकड़े हो गए। राम जी, मौली को सद्बुद्धि देना, जो जाल उसे फंसाने के लिए बुना जा रहा है वो उसे काट के जीवन में आगे बढ़ पाए। सबको लगता है मैं मानस के बारे में झूठ कह रही हूँ, उसे बदला ले रही हूँ, उसे फंसा रही हूँ, जो उसने मेरे साथ किया वो किसी को नहीं दिखा। कितना भी समझा लूं कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। कोई सुने ना सुने, पर मैं अपनी मौली की बात सुनूंगा भी और समझूंगा भी, क्योंकि मुझे अपनी मौली पे पूरा भरोसा है। सब ने मुझे झूठी बोला पापा, पर मैं झूठी नहीं हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मैं जानता हूँ मौली, पर तू रो मत, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। कोई कुछ भी कहे, हुँ? कभी तुझे लगे ना मौली कि कोई तेरी सुन नहीं रहा है, तुझे समझ नहीं रहा है, तो तू बस मेरे पास आ जाना। ओके? ओके पापा। सच तो ये है मौली कि मानस के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। मानस के बर्ताव में अगर तूने कुछ भी महसूस किया था तो एक बार आके मुझसे कहती ना। आज तक तेरी कोई भी बात मैंने अनसुनी की है, पर ऐसे परिवार के सामने तमाशा करना नहीं चाहिए था। नहीं पापा, मैंने कोई तमाशा नहीं किया, मैं बस दरवाजा खोल के भागी थी और पीछे मानस और राहुल ने देख लिया, वो दोनों लड़ पड़े और शोर सुन के सब वहां पे आ गए। पापा, मैंने जानबूझ के नहीं। तमाशा तो हुआ ना मौली, देख मौली, मैं जानता हूं मानस ने तेरे साथ तेरी लाइफ में बहुत गलत किया है, ऐसे घटिया झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।
आज जो तूने किया है ना मौली, उससे मेरा भी दिल दुखा है, बहुत दुखा है। थैंक गॉड मनोज, फाइनली अपने बेटे का साथ दिया तुमने। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।